एक दिन बाद खुल जाएगा स्वर्ग का महाद्वार जब हरिद्वार में होगी महाकुंभ की शुरुआत। देखिए अनदेखे 126 गंगा उस दिन हरिद्वार की गंगा में मिल जाएंगे और उनकी एक डुबकी में धुल जाएंगे 143 नर के पाप। तो स्वागत कीजिए उस महाकुंभ का जिसमें हरिद्वार के पवित्र गंगा घाटों पर उतरेंगे 33 करोड़ देवी देवता और देंगे आपको आशीर्वाद। पुष्कराद्यानि तीर्था गंगाद्याः सरित। ये आस्था की डुबकी है, ये 7 जन्म सवारने की डुबकी है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने की डुबकी है। स्नान काले सदा गंगा की पावन बूंदों से धुलता है जब भक्तों का तन मन, तब खुल जाता है सीधे स्वर्ग का द्वार। महाकुंभ में महापुण्य कमाने की इच्छा लाखों करोड़ों भक्तों को यहाँ खींच लाती है और लगने लगती है आस्था की गंगा में जन समुद्र की डुबकी। वैसे तो हरिद्वार के सभी घाटों पर स्नान करना फलदायी होता है, लेकिन कुछ घाट ऐसे हैं जहां बरसता है ईश्वर का विशेष आशीर्वाद। इस बार महाकुंभ में कुल 11 स्नान पर्व है जिसमें 3 शाही स्नान होंगे। इन दिनों में वैसे तो हरिद्वार के सभी घाट भक्तों से पटे पड़े होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 5 घाट ऐसे हैं जहां स्नान करना बेहद पुण्यदायी होगा। ये घाट है ब्रह्मकुंड, नारायणी स्त्रोत, कुशावर, राम घाट और विष्णु घाट। इन 5 घाटों में सबसे प्रमुख है ब्रह्मकुंड घाट जिसे हर की पैड़ी भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ स्नान करने से करोड़ों जन्मों का पुण्य फल मिल जाता है, क्योंकि यहीं पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थी। यहाँ स्नान करने से धर्म के साथ अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि जो गंगा में स्नान करते हैं उसके के ऊपर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु हरण्य। दूसरी बात जो है वैधव्य दोष निवारणी, घर में विधवा नहीं होती है, स्त्री सौभाग्य प्रदायिनी, स्त्री के सौभाग्य को देने वाली है। पतित पावनी का दूसरा प्रमुख घाट है नारायणी स्त्रोत। कहते हैं यही के जल से श्री कृष्ण की कुंडली के सर्प दोष को दूर किया गया था। ये मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सर्प दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कुशावर्त घाट की महत्ता भी कुछ कम नहीं। भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली इस घाट पर भगवान राम और पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुशाघाट से थोड़ी ही दूर पर बना है राम घाट। कहते हैं यहाँ पर श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण करने के लिए तपस्या की थी। इस जगह को राम तीर्थ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से गुरुजनों का आशीर्वाद और सरस्वती की कृपा मिलती है। और आखिरी महत्वपूर्ण घाट है विष्णु घाट। कहा जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है और भक्तों के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने में अब गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में आप भी अपनी जो इच्छा पूरी करना चाहते हैं उसके हिसाब से घाट चुनकर लगा लीजिए डुबकी और कर लीजिए अपनी हर मनोकामना पूरी। संजय आर्य के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।